गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8, आनंद ही आनंद। इस पाठ में हम लोग पढ़े हैं एक कहानी। यह एक सच्ची घटना पर लिखी रोचक कहानी है। बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। फाटक से घुसते ही लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक शेरनी ने 3-4 दिन से भोजन नहीं किया है। उसके पिंजरे में कोई घुसता है तो वह उस पर झपटती है। सभी बहुत डर गए, इसलिए शीघ्र ही घर वापस आ गए। 2 दिन बाद उसी शेरनी का चित्र समाचार पत्र में छपा था, जिसमें वह एक पिल्ले के साथ खेल रही थी। आगे पढ़ने पर मालूम हुआ कि एक पिल्ला चिड़ियाघर के रक्षकों से बचकर पिंजरे में घुस गया। शेरनी और पिल्ला दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। मौका पाकर रक्षक पिल्ले को उठा ले गए। शेरनी उसे न पाकर गुर्राने लगी और खाना पीना बंद कर दिया। पता चला कि पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर निकल गया। चिड़ियाघर के बाहर एक दुकान थी। दुकानदार का बेटा पिल्ले को अपने घर ले गया। पिल्ले ने भी खाना पीना बंद कर दिया था। रक्षक अपनी नौकरी जाने के भय से उसे शीघ्र ही ढूंढ लाए। पिल्ले को देखकर शेरनी शांत हो गई। दोनों ही अब खुश थे। चारों ओर आनंद ही आनंद था। तो ये कहानी थी इस पाठ का। और इसके बाद, कहानी के बाद, हम लोग पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ आनंद, खुशी, भयंकर, डरावना, गर्जन, डरावनी आवाज या जोर की आवाज, दृश्य, नजारा, खूंखार, भयानक, भयभीत, डरे हुए, शांत, चुपचाप, पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, व्यस्त, काम में लगा हुआ, गुर्राना, गुस्से में आवाज निकालना, रक्षक, रक्षा करने वाला, अनशन, खाना पीना छोड़ देना। शब्दार्थ को आप कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर लिखित और प्रश्नोत्तर मौखिक। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर लिखित और प्रश्नोत्तर मौखिक। प्रश्नोत्तर मौखिक का पहला प्रश्न है, प्रश्न क, चिड़ियाघर में घुसते ही किसकी गर्जन सुनाई पड़ी? उत्तर होगा, चिड़ियाघर में घुसते ही शेर की गर्जन सुनाई पड़ी। प्रश्न ख, शेरनी किसके साथ खेल रही थी? उत्तर होगा, शेरनी कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रही थी। प्रश्न ग, कुत्ता पिंजरे में कैसे घुसा? तो इसका उत्तर है, रक्षकों की नजर बचाकर कुत्ता पिंजरे में घुस गया। प्रश्न घ है, पिल्ला घूमते घूमते कहाँ चला गया था? तो उत्तर होगा, पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर के बाहर चला गया था। पिल्ला किसे मिला? पिल्ला दुकानदार के बेटे को मिला। प्रश्नोत्तर मौखिक अपने कॉपी में लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, प्रश्नोत्तर लिखित। प्रश्नोत्तर लिखित का पहला प्रश्न है, शेरनी लोगों पर क्यों झपट रही थी? उत्तर होगा, शेरनी नाराज थी क्योंकि पिल्ला कहीं चला गया था, इसलिए वह लोगों पर झपट रही थी। प्रश्न ख, दादाजी ने बच्चों को समाचार पत्र में क्या दिखाया? उत्तर होगा, दादाजी ने बच्चों को समाचार पत्र में एक चित्र दिखाया जिसमें शेरनी कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही थी। प्रश्न ग है, शेरनी की नींद कैसे खुल गई? उत्तर होगा, कुत्ता शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा जिससे उसकी नींद खुल गई। प्रश्न घ, शेरनी ने खाना पीना क्यों बंद कर दिया था? उत्तर होगा, शेरनी पिल्ले को पिंजरे में न पाकर खाना पीना बंद कर दी। प्रश्न अंग है, शेरनी का गुस्सा कैसे शांत हुआ?
उत्तर होगा पिल्ले को अपने पिंजरे में देखकर शेरनी का गुस्सा शांत हो गया। तो ये है प्रश्न उत्तर लिखे। आइए इसके बाद हम लोग भाषा से करते हैं। भाषा से का नंबर वन में है शब्द बना, संयुक्त व्यंजन से शब्द लिखना है। न न संयुक्त, ल ल संयुक्त और च च संयुक्त। न न संयुक्त से शब्द है प्रसन्न, भिन्न, उन्नति। ल ल संयुक्त से पिल्ला, बल्ला और चिल्लाना। च च संयुक्त से बच्चा, कच्चा और सच्चाई। इसे पुस्तक में ही करना है आप लोगों को। भाषा से का नंबर दो में है रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। शेरनी दिन रात गुर्रा रही थी। नंबर ख, कर्मचारी अशांत शेरनी को शांत कर रहे थे। नंबर ग, बच्चे चिड़ियाघर के अंदर से रोते हुए बाहर निकले। नंबर घ, बच्चों के पिता आगे थे और माँ पीछे। नंबर अंग है परेशान पिल्ला इधर उधर घूम रहा था। इसके बाद है नंबर थ्री में इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। आनंद का समान अर्थ है खुशी, भयंकर का डरावना, भोजन का खाना, दृश्य नजारा, प्रातः सवेरा। इसके बाद है भय का डर, शांत का चुपचाप, कोलाहल का शोर, माँ का माता समान अर्थ और समाचार पत्र का अखबार। इसके बाद है नंबर चार में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। के, पर, की, ने, से, में, इन शब्दों से हमें खाली स्थान को भरना है। तो नंबर क में होगा बच्चों की उंगली पकड़े पिता उन्हें ला रहे थे। नंबर ख, बच्चे शेरनी के पिंजरे के पास थे। नंबर ग, पिल्ला शेरनी के पिंजरे में घुस गया। नंबर घ, पिल्ला शेरनी पर चढ़कर उसके बालों से खेलने लगा। नंबर अंग, दुकानदार के बेटे ने पिल्ले को उठा लिया। नंबर च, उसने पिल्ले को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद नंबर पांच में है भाषा से के अंतर्गत वाक्यों में आए संज्ञा शब्द को रेखांकित करें। इसे भी पुस्तक में ही करना है। नंबर क में है कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे, चिड़ियाघर को रेखांकित करना है। फिर नंबर ख, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो दादाजी और समाचार पत्र इसे रेखांकित कर लीजिए। नंबर ग, चार दिन बीत गए, दिन जो है वो संज्ञा शब्द है। नंबर घ, वह रुचि रूपक और मनीष के साथ खेल रही थी, रुचि रूपक और मनीष संज्ञा शब्द है, इसे रेखांकित कीजिए। नंबर अंग, रक्षक पिल्ले को वहां से ले आए, रक्षक और पिल्ले इन दोनों को रेखांकित कीजिए। तो ये सभी है संज्ञा शब्द। इसी के साथ पाठ आठ यहीं समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।